अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा हमने किस तरह एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में जिन दोस्तों को 12,000 रुपये नहीं मिले, वो एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में एहसास इमदाद इंसाफ प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि उनको भी अब 12,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह आपने ये फार्म फिलअप करना है, तो इसके मुताबिक मैं तमाम डिटेल वगैरह बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल ए फॉर यू लेटेस्ट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब इसकी डिटेल की तरफ, किस तरह हमने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सिंपल दोस्तों, हमें गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर हमें टाइप करना है फाइंड पार्क जॉब्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसका मेन पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो फिर हमें क्लिक करना है फाइंड पार्क जॉब्स के ऊपर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इसका ऑफिशियल पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। जैसे हम इसको नीचे करेंगे, ऐसा करेंगे, कर्सर को नीचे करते जाएंगे, तो हमारे पास ये पहला ऑप्शन मौजूद है, एहसास लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अप्लाई नो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसका मेन पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें तमाम डिटेल वगैरह बताएंगे किस तरह हमने अप्लाई करना है, किस तरह इसमें अप्लाई नहीं करना और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसके लिए हमारे पास इनके क्या क्या हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फॉर्म में देना पड़ेगा, क्या क्या इनके फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी हमें चाहिए। तो सिंपल दोस्तों, हमारे पास ये पेज ओपन जैसे ही होता है तो मैं आपको इस तरह बताऊँगा किस तरह इसमें हमने अप्लाई करना है। ये देखिए दोस्त हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है। तो सिंपल हम यानी कि स्क्रॉल को नीचे करते जाएंगे, तो जैसे हम इसको नीचे करते जाएंगे, ये देखिए मालूमात वगैरह खुल रही है। तो नीचे हम जैसे ही आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा अप्लाई नो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसका ऑनलाइन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका ऑनलाइन फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। तो सिंपल आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर देना है, यहाँ पर आपने वो अपना मोबाइल ऑपरेटर कौन से सिम आप यूज़ करते हैं, मोबिलेक्स, जैज, यूफोन, जो भी इनके सिम यूज़ करते हैं आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर आपने ये कोड इंटर करना है, जो ये कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड आपने इंटर करना है। ये लिखा हुआ है NTB, ये कोड इंटर करना है और तस्दीक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप तस्दीक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका नाम खुद पर खुद लिख कर ओपन हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने सिर्फ अपना CNIC नंबर और मोबाइल नंबर लिखा है, ये मेरा नाम खुद पर खुद लिख कर आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों, आपने अपना मुंतखब करना है, आपको यानी कि महीना आमदनी कितनी है, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, बताना है आप यानी कि योमा हर रोज़ तनख्वाह लेते थे या महाना तनख्वाह लेते थे, आपका पेशा क्या है, यहाँ पर आपने पेशा मुंतखब करना है अपना, यहाँ पर आपने अपनी आमदनी बतानी है कितनी आपकी महीने की आमदनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मुलाजिम हैं तो आपकी मुलाजमत, अगर किसी प्राइवेट इदारे में आप जॉब करते थे तो वहाँ पर आपकी मुलाजमत किस डेट को ख़त्म हुई आपने बतानी है, तारीख लिखनी है। अगर आपका अपना कोई कारोबार है वो भी आपने यहाँ पर लिख कर बताना है। इसके अलावा आपका कोई अपना कारोबार है तो वो आपने यहाँ पर लिख कर बताना, मिसाल के स्टोर कीपर है, बेकरी है या कोई और कारोबार है, आपने यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा अगर आप किसी के पास मुलाजिम हैं तो वो भी बताना है। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने अपना सिलेक्ट करना है ज़िला कौन सा है आपका। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ज़िले खुल जाएंगे, यहाँ से आपने अपना दोस्तों ज़िला सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास तहसील के ऑप्शन होंगे, वहाँ से आपने अपनी एक तहसील सिलेक्ट करनी है, जिस तहसील से आप रहते हैं, जिस तहसील में आप रहते हैं या जो तहसील आपको लगती है। इसके अलावा आपने यहाँ पर आगे टिक का निशान करना है कि मैं तस्दीक करता हूँ मेरा ताल्लुक है गरीब ख़ानदान से और मेरी मुलाजमत का यानी कोरोना वायरस के बायस मेरी यानी कि सारा कुछ मुतासिर है, इसलिए मुझे यानी कि इमदाद हासिल दी जाए। तो सिंपल दोस्तों, आपने यहाँ पर आकर अपने जमा फार्म करवा देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपका यानी कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में अप्लाई करने का शुक्रिया। कुछ दिन के बाद आपको तस्दीक की मैसेज आ जाएगा। तो सिंपल दोस्तों, इसको अप्लाई करने का ये प्रोसेस है, ये तरीका है, आप घर बैठकर ही अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।